हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। भाई आज हम जा रहे हैं बहुत मस्त जगह, और रात को प्रोग्राम बना था भाई, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है और उसमें अपनी कार लेके जा सकते हैं। और सो दोस्तों, बीच में एक बार रोक रहा हूँ आपको। जैसे कि आपको पता है कि हम पेट डाइवर्सिटी फार्म पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डॉग हॉस्टल, डॉग ट्रेनिंग एंड ग्रूमिंग फैसिलिटीज। जो हमारे स्टूडेंट्स है वो दिखाता हूँ कि उनकी ग्रोथ कितनी हो रही है। हेलो भाई, कैसे हो आप सब? ये ट्रॉय है, हस्की, 7 महीने का बच्चा है। एक अपना लैब्राडोर है जो 7 महीने का है, वो फार्म पे आया हुआ है। पापा वहाँ गए हैं और उसका चेक कर रहे हैं पापा ने कि भाई कैसे ट्रेनिंग हो रही है। और एक अपने फार्म पे आया हुआ है लैब्रा, उसको भी कुछ नहीं आता, इवन उसको अपने नाम कभी नहीं पता चल रहा था। सो उसकी भी ट्रेनिंग हो रही है। जॉनी है, कल आया था। जैसे मैंने आपको बताया था, ये कल आया है, पहले दिन का बच्चा है ये, बिल्कुल 7 महीने का है। आज यहाँ पे पैदाइश है, इसका पहला दिन है। आज से इसकी ट्रेनिंग शुरू की है हमने। सो बहुत सारी ट्रेनिंग्स चल रही है हमारी। अगर आप लोगों को भी अपना स्लॉट बुक करना है हॉस्टल के लिए या ग्रूमिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए, तो आप पेट डाइवर्सिटी के नंबर पे कॉल कर सकते हो। जैसे आप हिसार में रहते हो तो शाम को आप अपने पेट को लेके जा सकते हो हमारे पार्क में। पेट डाइवर्सिटी के फार्म में पार्क है, वहाँ पे आप हमारा प्लेइंग एरिया है, वहाँ हमारे डॉग्स के साथ भी खेल सकते हो, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पे। और अब वीडियो को शुरू करते हैं। मस्त मस्त मजे आने वाले हैं। और यहाँ पे ऑडियो नहीं आ रही होगी, मैं गाड़ी में बैठ के बात करता हूँ क्योंकि हवा चल रही है। इस गाड़ी में जा रहे हैं, हमारे पास 2 गाड़ी है, ये प्रदीप की है। चलो बड़ो भाई, चलो। ओ भाई साहब, राठी भाई साहब आए हुए हैं और विद ब्लैक एनक। ब्लैक एनक अंदर बैठ ले जल्दी। लो भाई बैठ लिए हैं हम। ना एक्चुअली लेट है, और हम ज्यादा नहीं तो 2 घंटे तो मिनिमम लेट है ही है। सो हम उस टाइम को कवर करना चाह रहे हैं, क्योंकि शाम को आगे मेरी भी शिफ्ट है, प्रदीप की भी शिफ्ट है। ये दोनों ठा लिए इस टाइम, मतलब क्योंकि ये हमारे यहाँ जॉबलेस है भाई। नहीं, जॉबलेस नहीं है भाई, दोनों की जॉब है। इधर भी मैं जॉबलेस है, लंदन में जॉब है दोनों के पास। भाई बड़े मोटे सामी है, पैसा कमा रहे हैं सारे, पापा की दया है। सॉरी दोस्तों, ये एक मीम था। प्रदीप ज्यादा सही है, पापा की दया है। तो जस्ट अभी पहले हम ना रिफ्यूल करेंगे कार को, कॉस्को जा रहे हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से 70 माइल्स है बर्मिंगम वाली साइड से, नॉर्थ क्या था ना, वेस्ट सफारी पार्क, वेस्ट मिडलैंड सफारी पार्क जा रहे हैं। एक बार सर्च करना, आपको भी बहुत मस्त लगेगा, बाकी हम दिखाई देंगे। तो स्टे ट्यून्ड, और तेल भर के दिखाऊंगा आटे में कुकर बनाया करें। चलो खुशखबरी, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखो कमेंट सेक्शन में। मेरे को तो तीन चार महीने पहले यूके का लाइसेंस मिल गया था, भाई को अभी मिला है। मेरे को मिला 3-4 ट्राई के बाद पर मिला है। पर कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दो भाई कमेंट सेक्शन में भाई के लिए। प्रदीप नाम है इसका, प्रदीप मान। और राठी भाई कई दिनों बाद आया है, यूनिवर्सिटी से हम दोनों साथ हैं। और हर्षल को तो आप जानते ही हो, हर ब्लॉग में दिख ही जाते हैं, बेफालतू में आ जाते हैं। अरे मजा आ गया भाई हर्षल। अरे भाई अपने सारे, तो चलो चलते हैं। फ्यूलिंग कर ली है और थोड़ा सा बिजी हो गए थे, भाई साहब ATM ही नहीं लाया था कोई भी, तो करा कुछ ना कुछ करके और डाल दिए पैसे, क्योंकि हमारा इसलिए नहीं लाया ना, क्योंकि हमारा ये एप्पल वॉलेट होता है ना, क्या होता है ये एप्पल पे, ये चल जाता है टैप करके, तो इस वजह से लाते नहीं ना, पर यहाँ पे जरूरत होती है। पर स्टिल चलो, अपना सफर शुरू हो गया है। राइट साहब कुछ कहना चाह रहे थे, ड्राइव थ्रू है भाई साहब, ये पढ़ ले भाई, एक बार रोक के पढ़ ले। खाना ले लिया है मामले, खाना है और ये भाई यहाँ पे, ओ जिराफ है, यहाँ पे जिराफ भी है भाई, ये देखो भाई एडवेंचर सफारी पार्क।
इस साइड आ भाई, इस साइड आ, ये ले ले, ये ले, इधर इधर आ बेटे, स्विंग साफ मार दे मेरे भाई ने, नहीं रख ले, इसको खाना दे दे, ये खाना देना है यो, भाई यो यो कितना जाइंट एंटी, इसको बोलते हैं एंटीलोप, गलत नाम बोल दिया भाई सब, ठीक है राम राम, राइनो होते ना यहाँ, राइनो चसा, राइनोसोरस, और ये देखो भाई, वो यार देख यार भाई देख, मान ले एक साल में कट नहीं आ गया राइनो भाई का, बता देंगे भाई एक साल चाहिए, मान ले एक साल, एक साल मान, सौ से बैठे रोज मरूंगा, मान ले एक साल दस दस से, अच्छा मान ले देसी खाया करे देसी, इद्दा में कुछ नहीं रहा भाई, घास खावे घी कड़े है थारा, और सही बात है भाई देख घास खा के कितने तगड़े हो रहे यार, अरे ये कौन से वो खावे मीट थोड़ी खावे ये, अच्छा माले घर की डाइट का काम है, ठीक है यूं ना सोचिए भाई, प्रोटीन खा रहे हैं, प्रोटीन खा कर बना ली, डब्बे खा कर बना ली, भाई देसी डाइट है भाई, देसी डाइट, इस पट्टी बना कर, इस पट्टी मार कर दिखाओ, देखिए ये तो घी छोड़ रहा है जैसा भाई, ज्यादा सूखा घास खावे है, तो भाई ये हमारे प्रदीप भाई साहब की तरफ से ये है ऑक्टोपस, अ पर्सन कैन बी हाउ मच रॉन्ग एग्जैक्टली, चलो कोई नहीं, इसमें भाई खाली है, जैसा भाई की जगह है यार, खुल गया है गेट अपना, और इसमें इन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि अपनी विंडोज और अपना मतलब लॉक लॉक कर दो, कहीं मजा आ जाए आपके साथ, मतलब आपके साथ कोई और मजा ले जाए, से वो हो रहा कुत्ता, वो रहा कुत्ता, देखो वो रहे कुत्ते, वो रहे अरे धर्मेंद्र लिखना था, सांप भी है भाई, अड़ किधर सांप खड़ा है, एक कच बोर्ड लग रहा है सांप का, इस मरीन नदी का डॉग्स का, देखो सांप को देखा को नहीं, कहां है सांप का बोर्ड, प्लीज कीप डोर विंडो, देखियो आगे आयो आगे, ये आगे भाई ये तकड़े हैं यार, दिखने में छोटे लगे कर दे, है नहीं तकड़े है भाई, और क्या खतरनाक, एक और है पीछे, यानी उस साइड क्यों घूम रहे हैं, हमारी साइड क्यों नहीं आ रही, देखो रचित इसी में नोटिस करने वाली बात ये है कि जो यहाँ का स्टाफ है ना वो भी जो लेडी थोड़ी देर पहले मैंने देखी थी, वो लेडी वहाँ पे गेट खोलने के लिए गेट एक्सेस करने के लिए गई थी वहाँ से, उसको भी गाड़ी यूज करनी पड़ी थी, सो इवन द स्टाफ इज आल्सो नॉट सिक्योर हियर, आई मीन जस्ट आई मीन सिक्योर नहीं है ये, वाइल्ड है यार, वाइल्ड एनिमल्स है, एग्जैक्टली दिखते ही है भाई डॉग्स, लेकिन ये इट्स वेरी फ्यूरियस, वाइट लॉयल रेंजर्स की है यहाँ पे, और यहाँ पे ये अब हम आगे हैं, देखो ये आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, हाँ ये रहा देख, ये ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी अब ओ यार गाड़ी आगे करो ना थोड़ा, इनको करने दो फिर मैं दिखाता हूँ आपको, हमने क्या क्या देख लिया, हम एंट्री करी है, हमने ना राइनो देख लिया है, ये जिराफ देख लिया, उसके बाद हमने अभी ये ज़ेब्रा भी देख लिया, ये वाले जो डॉग्स है ना ये अफ्रीका के हैं, और ये वाले इंडिया वाले साइड के हैं, तो अफ्रीका वाले देख लिए, फिर अब हम लॉयन देखेंगे, फिर व्हाइट लायन देखेंगे, फिर हम आगे जाएंगे, उस चीज को देखे ये क्यों होता है पता है, पत्थर बना रखा है क्योंकि ना शेर को पसंद होता है ये ऊंची जगह बैठ के पूरा एरिया देखे, जिससे ये अपने आसपास शिकार देखे कि मतलब मेरे कौन से एरिया में शिकार है, और वहां जाके वो करे, मतलब इनको अच्छा लगता है एक ऊंची जगह बैठ के अपना पूरा एरिया देखे, क्योंकि ये जंगल के राजा है, क्या है ये शेर, ओ भाई ओ भाई ओए दूसरी वीडियो बनाना है भाई, देखो कहां जा रहा है ये, ओ भाई घटिया के ले ले राइट लेन में ले, शीशा बंद कर लिया, राइट लेन ड्राइव करनी पड़ेगी ना भाई, उसके आगे से गए यार, कितना सही आया होगा उसका यार सीन, ओ भाई साहब भाई साहब भाई साहब एक बार बताऊं सच में राजा है, सारे चुप हो गया, है नहीं एग्जैक्टली ऐसे थोड़ी कहते हैं इन्हें शेर, ओए शांत हो, देखो इसकी रोड सुनो,
शीशा नीचे कर ज्यादा आ जाओगी नहीं कर सकते रणका है वो भी करे थे हर बार भी वो आगे शेर आ रहा है शेर आ रहा है शेर आ रहा है भाई तो अच्छा शॉट आ रहा है ना भाई देखिए वापस करेगा भी इन्हें पीछे छोड़ के आगे जा रहे हैं आगे भी देखते हैं ये देखो कितनी अच्छा पानी ये देखो ये पीछे देखो कितनी पानी है देखो वे तोड़ तोड़ के आइस तोड़ के पानी पीने लग रहे हैं और ये बहुत सुंदर आ रहा है ये पहाड़ का जैसे जो बाहर का चट्टान हो किस तरीके से बना रखा है ना इट्स अमेजिंग यार चलो और देखते हैं और खिड़की खोल दी थी हमने तुम मत खोलना हमने बस इसलिए खोली थी कि थोड़ा सा खोला हुआ है ताकि हम एक बढ़िया वीडियो बना ले आप लोगों के लिए इतना खतरा मोल ले रहे लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो चैनल को बाकी सेम शेर का गूठा सब्सक्राइब कर ओ देख वो री शेर नहीं दिग्गी इधर बैठी है लेफ्ट साइड में आगे से चल थोड़ा सा यहाँ पे रोक ले ये री इसका भाई शेर का ब्रेकअप हो रहा है भाई ये एकली रोवे है जो वो बैठा शेर देख थोड़ा पीछे कर पर पीछे कर गाड़ी वो नहीं दिख रही और भी है इधर देखियो गाड़ी पीछे देख के करी कहते बस 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 ओ भाई साहब भाई कितनी तकड़ी है यार ये भाई ये वाली देख रहे तू सेकंड नंबर पे ना हाँ वो ऐसा लग रहा है कि वो यंग है अभी जूम करियो ये पूरा जूम करियो जितना हो सकता है देखे तो पहले तुम्हें क्लियर दिखता हो ना भाई देख तो यार हाथ आगे रख रही जो कर मेहंदी लगवाओगी यानी देख तो ना प्यारा लूटे क्लिक कर पिचो वो यो देख है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इसको भी जान से ड्रिल लेते इसको वो देखी हो ये अपनी जान देख कैसे हथेली पर कैसे उतर और शेर कुछ कर भी नहीं रहे उसको मूड नहीं है भाईचारा रखो भाई मूड नहीं है अभी इनका भाईचारा रखते हैं लोग सो जस्ट वेट एंड वॉच और भाई देखो इतना अच्छा कंटेंट दिखा रहे हैं आपको वीडियो को लाइक करना जरूर पड़ता है ना भाई और ये देखो ये ऊपर टावर है वो उस टावर पे बैठे हैं और उसने खोल दिया मैडम ने अपने लिए भाई साहब भाई साहब भाई साहब तो ये अल्बाइनो नहीं है अल्बाइनो की ना रेड आईज होती है तो ये हमने पीछे इन्होंने नॉलेज दी है हमें तो ये और नेचर में भी मिलते हैं ये ऐसे होता है ना कि कई मतलब ब्रीड घर पे ही करी जाती है मतलब अपने फैसिलिटी में एक जगह मिलती है सिर्फ तो वो वाइल्ड में ना सरवाइव नहीं कर पाते पर ये सरवाइव कर पाते सुनता भी नहीं भाई वो दूसरी भी आ गई यहाँ पे आ गया पानी पीना है ये ढोल है भाई इस ये अपने एशिया में मिलता है साउथ एशिया में और जहाँ पे इंडिया भी आता ही है जब तो ये इससे नहीं आगे आ रहे भाई ये इससे आगे नहीं आ रहे ये लिंक से वाइल्ड एशिया भाई ये लगे अपने वाली रणाई रहे छोटी 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 सी है क्या मजबूरी रही होगी सेलमोन भाई की जो इनको मारा क्या मजबूरी रही होगी सेलमोन इन प्यारे से जानवरों को मारा दुख होता है सेलमोन भाई इनको भी दुख होता है पैर ऊपर रख भाई साहब वो लेपर्ड का रास्ता कहाँ का है मुंह फेर लिया तो शुरू करो भाई अगला बता दे नहीं भाई बता दे यार हम भी नए हैं बॉम्बे घूमने आ रहे हैं ये रे ओए लो टाइगर आगे ले आ गया जी टाइगर कह दे सुमात्रन टाइगर है भाई सुमात्रन टाइगर है ये रहा एक देखो जी ये रहा उसकी बात ये साइज छोटा है इसका वो साइबेरियन टाइगर हो गया देखो उससे भी लग रहा था काफी बड़ा है हां वो वाला बड़ा है यार वाइट वाला ये सुमात्रन टाइगर है सुमात्रन टाइगर ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है बहुत कम देख लिखा हुआ देख क्रिटिकल एंडेंजर्ड भाई क्रिटिकल एंडेंजर्ड है ये बहुत कम रह रहे हैं बहुत ज्यादा कम और ये सबसे शायद छोटे साइज के टाइगर होते हैं सबसे छोटे साइज के टाइगरों में आते हैं ये रहे हो ये रहा अभी आपने डिफरेंस देखा ही था अरे वाह 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 मुबारक हो मुबारक हो।
गुब्बारे कह दे रहे कौन कौन था पंगाल भी है उड़े तेरी जॉब लग रहे कोई नहीं तो खुशी है भाई कोई नहीं क्या हुआ भाई साहब नौकरी लागी भाई नौकरी इन यूके इन लंदन भाई कह दे चीता ही कह दे वो भी सेंट्रल लंदन ब्रो ये देखा क्यों हो गया तने नहीं बेरा मारती तू आड़े बैठी रोज तने खुआ जा लोग तने के बेरा कमाई के आजा खाना खुआ दे इसने दिल्ली देखो और एलिफेंट कहाँ गया और वो देखो व्हाइट टाइगर जिससे अभी मिल के आए थे पहले यार मैंने पहली बार सुमात्रन टाइगर देखा और वो लिटरली भाई साइज में बहुत छोटा था और वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है क्रिटिकल एंडेंजर्ड कुछ गिनती के गिने चुने 15-20 बचे होंगे इतने कम हो गए पता तेरे को खत्म हो जाएंगे दुनिया से अभी है अगर हमने नहीं और ये किस वजह से इंसानों की वजह से इलीगल पोचिंग उनका जो नेचुरल हैबिटेट था वो खराब हो गया इन सब की वजह से भाई हमने इतना ब्यूटीफुल क्रिएचर खोन लग रहे हैं और पता नहीं कितने खो दिए हैं और कितने खोएंगे आगे तो इसलिए कहते हैं कि अपना ना नेचर को बचाओ भाई जितना बचा सको उतना बचाओ हमने भाई डायनासोर भी तो खो दिए ऐसे करके शिकार कर सके ओ ये रहा जिराफ भाई ये है भाई जैसे माल है यो भाई जैसे भाई का फ्यूचर एक साल बाद पतला हो जाए जैसा भाई और ये क्या है भाई ये ना यहाँ पे ये आप एज अ होटल रूम भी ले सकते हो और अपने होटल के जैसे आपके विला की बालकनी से आप इनको खाना खिला सकते हो और इसका ना एज आई एम अज्यूमिंग इसका 30-40-50 पाउंड्स ही होगा पर नाइट पर डे का स्टे होगा हाँ। इतने का ही होता होगा पता नहीं देख वो तो जो भी होगा अभी देख के बता देंगे बाकी लेकिन हम लोग तो फिर एक दिन के लिए आए ना क्योंकि शाम को शिफ्ट पे जाना है भाई काम पे जाना है भाई आगे आगे मित्र आगे आगे आजा भाई ओए माल है आजा भाई डू नॉट फील कर लेंगे अच्छा भाई देख यार किटी मित्र बाड़ी के पड़ लेगी नहीं कर से डू नॉट फील लिखा तो है पीछे हां लिखा हुआ है पीछे लिखा हुआ है माड़ा दर्द दे अरे नहीं वो भाई वो मैंने ऊपर छत पे रख दिया खाना मैंने छत पे खाना रख दिया भाई छत पे खाना रखा हुआ है और ये देखो दिखा दिखा मेरे को दिखा दिख रहा है आधा साहब मेरे बाल ना खा जिए भाई कितना सही सीन है यार और खवा दूंगे इसने भाई ने ठीक है माल है सारे भाई नोट रखियो भाई जस्सा भाई एक साल बाद इतना पतली इट्टी ने जस्सा भाई के बता दियो भाई माल जस्सा भाई दस पट्टे मारे आरो पतले हो जाओ ऊपर खाना खाने लग रहे जुगाड़ी तो पूरे आ भाई यार ओए हिले पड़े इस हेरी ना राठी भाई साहब दिखा कर दिखा मैं दिखाता हूं ओए मैं ऐसे भी दिखा के दिखाऊंगा ये देखो दोस्तों हां हां ऐसे बना ले दिखा वो खाना नहीं खिलाना और भी तो थे और आगे चल आगे ले अपने स्पेशल प्रवास पे आया भाई वर्ती इसके बेबी की पूरा मुंह आ रहा है स्पेशल इसमें भी आ रहा है अपनी छत पे धरती है कुछ नहीं खाना अभी दिया यार ये और इसको तेरे दांत पकड़ ले यार सो दोस्तों जो सफारी थी वो पूरी हो गई है अब हम एक बार टॉयलेट ब्रेक लिया था अब उसके बाद जाएंगे यहाँ पे ना रेड पांडा है वो भी बहुत
क्रिटिकल एंडेंजर्ड है वो देख के आएंगे, पेंगुइन्स देख के आएंगे, यहाँ पे बैट केव है, और एक और चीज थी वो भी देखनी है। देखो दोस्तों क्या क्या चीज है यहाँ पे। हाँ दोस्तों ये बताना आप लोगों को ऐसे व्लॉग और देखने हैं जो हमारे हंसी मजाक होते हैं देसी भाषा में, मन में भी लगता है आप लोगों को अच्छा लगता होगा, अगर लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। हम लोग ऐसे व्लॉग्स और लेके आ सकते हैं, बड़ा इजी है यहाँ पे, इजी तो नहीं है, इजी नहीं है यार, टाइम निकालना पड़ता है और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है यार, पैसे इन्वेस्ट बहुत करना पड़ता है, पर हम लाएंगे। इनकी टिकट से ऑलमोस्ट 300-400 pounds होती है, मेरे ख्याल से मतलब हो ही जाएगा। अब हमारा ये एक राउंड फिगर में तुम्हें कह देता हूँ, ट्रिप हमारा ऑलमोस्ट 200 pounds तक जाएगा, चारों का, चारों में। इतना मतलब इतना महंगा भी नहीं है लेकिन इतना सस्ता भी नहीं है, हाँ। है। इंडिया के हिसाब से तो 20,000 पर वर्थ इट है यार, आज है ना मित्र। और वो आ गया तैरता हुआ यार, ना सुंदर है यार, और वर्थ इट है यहाँ पे आना भाई, मजा आ गया। और अभी तो बहुत सारी चीजें आएगी पर ये तो सुंदर लग रहा है, दूसरी बार देखे मैंने लंदन में भी देखे थे वैसे तो। ये देखो आपको दिखाता हूँ, बहुत प्यारे हैं, बहुत अमेजिंग है, मस्त लग रहे हैं। आई मीन मैंने ये चीज पहली बार देखी है, टू बी ऑनेस्ट मैं सेकंड टाइम देख रहा हूँ, पर मैं इतनी क्वांटिटी में फर्स्ट बार देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने लंदन एक्वेरियम में देखे थे ये, और तीन चार थे बस। इस चीज में एक चीज नोटिस करते हैं हम लोग, इनको भी ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, कांप रहे हैं वो देख कितने कितने प्यार तरीके से खड़ा हुआ है, सुंदर है, कितना सुंदर, वो देख कितनी क्यूरियोसिटी से और करे ना, ओ ये कैमरा लगा हुआ है ये देख, ये तो वही नीचे से ऐसे लग रहा है। सो भाई ये ना चमगादड़ों वाली वॉक है, जैसे अभी आपको चिड़ियों वाली दिखाई दी है, सही चमगादड़ वाली। सो यू आर गोइंग टू फीड द फिशेस, व्हिच फिशेस आर दीस, प्लेको, ब्लैक पाकू एंड वी हैव अ प्लेक एज़ वेल, सिक्स पाकू वन प्लेक, सो यू आर गिविंग देम फ्रूट्स, यस, फ्रूट एंड वेज, सो दीस आर ओमनीवोर फिशेस, या वेल नो एक्चुअली दीस गाइस आर जस्ट हर्बीवोर्स, oh yeah, so we only feed them herbivore, so we've got parsnips, carrots, sweet potato as well, melon, although as you can tell the bats quite like the melon. So sometimes I get a bat to the face if I'm not careful. But yeah, these guys are pretty cool, yeah. Wait. Or bhai agar red panda, huh, वो भाग गया यार, एक हो रहा ये तो एक्टिव होते हैं, व्हाइट पांडा तो फुल इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव है भाई ये, बहुत ना बहुत एक्टिव एंडेंजर्ड स्पीशीज है ये भाई, जो आप देख एंडेंजर्ड लिखा हुआ है भाई, ये देखो यार वो एक वो भी है, और एक ये की लेटर ये है कौन सा है। सो दोस्तों अब हम जाने लग रहे हैं, बहुत सारी चीजें और रह रही है यहाँ पे पर हमने देखी नहीं क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, क्या हुआ। तो हम जाने लग रहे हैं भाई, सीधी सी सिंपल बात ये है, हम हो गए लेट और अब बाद में देखेंगे, पर बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, आगे से मतलब अभी हम वापस भी ट्रिप मार सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 50% देखा ही नहीं है ना रे भाई, तो हम समझ में आएंगे। But the adventure park will also open in summer. Huh. Yeah, might. Yeah. So you are gonna have rides, yeah? Yeah. You love rides, yeah? Yeah. No. adventure park rides, you know. Okay. चलो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज सपाटे मारे, अगर पांडा देख लो जरा जाते समय। तो भाई पांडा साहब कह दो कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर नहीं करना है, सपाटे मारना, और एक रिक्वेस्ट है भाई जितना हो सके इन जानवरों को बचा लो, बस और नहीं कह सकता मैं कुछ भी। बाय बाय, ऐसे व्लॉग्स के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में बताते रहो और कुछ क्या देखना चाहते हो आप यूके में या यूरोप में जहाँ भी, धीरे धीरे करके मस्त वीडियोज बनाते रहेंगे, कर दो रे, बाय 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 बाय।